नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। यूं तो पूरे भारत वर्ष में गोचा पर्व मनाया जाता है, लेकिन बस्तर का गोचा विशेष होता है। यहां जगन्नाथ पुरी के तर्ज पर रथ परिचालन कराया जाता है, जिसकी अगुवाई 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा किया जाता है। मालूम हो कि पूरे भारत वर्ष में एक साथ 22 विग्रहों की पूजा और 3 रथों का परिचालन स्थापना केवल बस्तर में ही होती है, जिससे यहां का गोचा पर्व अनूठा है। साथ ही यहां की आदिम जाति मलकानगनी के फल को बांस से बने नालीनुमा औजार में डालकर एक ध्वनि करते हैं, जिसे तुपकी कहा जाता है। उस ध्वनि से प्रभु जगन्नाथ को सलामी दी जाती है। इस वर्ष भी गोचा पर्व प्रतिवर्ष की भांति धूमधाम से मनाए जाएंगे। इस हेतु आरण्यक समाज बस्तर संभाग द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कल 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहे गोचा पर्व की रूपरेखा समाज के अध्यक्ष विवेक पांडे द्वारा बताया गया। आपको बता दें कि रियासतकालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए 360 घर आरण्यक समाज द्वारा 617 वर्षों से अनवरत गोचा पर्व का आयोजन किया जाता रहा है। पर्व का आरंभ 22 जून से 17 जुलाई बाहुड़ा गोचा से पर्व की समाप्ति होगी। पत्र वार्ता के दौरान समाज के अध्यक्ष ईश्वरनाथ खंबारी, गोचा समिति अध्यक्ष विवेक पांडे एवं समाज के बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। समाज द्वारा प्रतिदिन के कार्यक्रम की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी समाज के अध्यक्ष ने दी है। आइए जानते हैं क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है। गोचा पर्व जो कि जगन्नाथपुरी के बाद पूरे भारत वर्ष में पूरी के बाद जो है कि बस्तर में ऐसा ऐतिहासिक 617 साल से जो है ये गोचा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस गोचा पर्व के दौरान 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज पूरे पर्व की अगुवाई करती है। वहीं बस्तर की आदिम जनजाति भी जो है कि इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। इसका प्रतीक गोचा के दौरान भगवान को जो सलामी दिया जाता है वो तुपकी, जो तोप के स्नान होता है, जिसमें मलकांगनी केंगू का फल लगा के जो है कि भगवान को सलामी देने की व्यवस्था 617 वर्षों से बस्तर संभाग के आदिम जनजाति के साथ साथ पूरे क्षेत्र के समाज और समुदाय के लोग कर रहे हैं।